राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पहले तो आप सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग्स में। और आज मैं करने वाली हूँ कुछ काम जो आपको बताऊंगी कि ग्रो बैग में कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, हम खाद तैयार करते हैं। तो ये है ग्रो बैग। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ग्रो बैग ही हो, आपके पास कट्टे हो तो आप उसमें कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई ऐसा बर्तन पड़ा हो जो आप यूज ना कर रहे हो तो उसमें भी आप ऐसे मिट्टी तैयार कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे करती हूँ मैं। तो ये मेरा ग्रो बैग है, ये बहुत अच्छे चलते हैं। ये मुझे लग रहा है कि 3-4 साल हो गया, इसमें पहले भी कुछ बोया था तो अब हमने खाली कर दिया। मैं दोबारा से इसमें मिट्टी तैयार करूँगी और बताऊँगी कि नए पौधे कैसे लगे होते हैं इनमें। तो आज का ब्लॉग्स है आपका ग्रो बैग में कैसे मिट्टी तैयार करें, कैसे पौधे लगाएँ। तो बने रहिए आज के ब्लॉग्स में। तो देखिए, यह है मिट्टी जो हमने बहुत बारीक करके छान छून के रखी हुई है। यह है गोबर और ये राख है। हर किसी के पास राख नहीं होती, पर मेरे पास थी तो मैं इसको भी डालूँगी और थोड़ी में डालूँगी रेत। कुछ रेत हमारी पहले से मिट्टी में पड़ी हुई है। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ शिमला मिर्च की पौधे लगाने के लिए ग्रो बैग में। तो मैं इनको भरती हूँ दोस्तों। पहले मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो दोस्तों, ये है ग्रो बैग जिसमें मैं भरने जा रही हूँ मिट्टी और खाद। और इसमें ऑलरेडी छेद होता है, देखिए छेद है, क्योंकि छेद करना ज़रूरी होता है जिससे एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाए। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो हमारे फल सब्ज़ी जो भी इसमें हम लगाएंगे गल जाएंगे। देखिए काफ़ी गहरा है, हर प्रकार के आते जैसा आपको चाहिए होगा। जितने बड़े पौधे लगाने हों तो ये काफ़ी बड़ा है। मैं से भरती हूँ। तो दोस्तों, मैंने सारे ग्रो बैग भर दिए हैं। मुझे जो जो मिला मैंने उसको भर दिया है, कट्टे में भर दिया और एक ट्रे भरी पड़ी थी वो भी भर दिए। तो जिसके पास जो है उसी को एक खाद मिट्टी से भर सकता है, उससे आपकी सब्ज़ी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि ज़मीन में मिट्टी से हो, अगर आप चाहो तो आप ग्रो बैग में या कोई भी घर के पड़े मिसीज बर्तन में भी आप सब्ज़ियाँ उगा सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम भी बहुत चीज़ें ऐसी करती हैं जो हम ग्रो बैग में या फिर जो हमारे पास मिसी चीज़ होती है उसमें लगाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कैसे तैयार किए हैं ग्रो बैग, आप देखिए। और मैं वो भी दिखाऊंगी कि जिनमें हमने पहले से लगा रखे हैं वो सब्ज़ियाँ कैसे हो रही हैं। तो मेरा मकसद है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप ऐसी कट्टों में, घर के पड़े कोई भी सामान में लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं होते, सब जगह हो जाता है। अगर आप चाहो तो छत में भी लगा सकते हो आप ग्रो बैग को, तो इससे आपकी सब्ज़ियाँ हो सकती है। अगर आपकी चाहत है ऑर्गेनिक और प्योर सब्ज़ी खाने की तो आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो। और मुझे आ चुका है बहुत पसीना, क्योंकि प्योर सब्ज़ी खानी है तो पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। और इस टाइम पर बच चुके हैं 12:30, तो धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। आप देख लेंगे धूप कितनी तेज़ हो रही है। तो मैं इसके बाद घर के काम करूँगी कुछ। तो दोस्तों, ये कट्टे में कर रही है मैंने मिट्टी और खाद इकट्ठा करके डाल दी है। और कट्टों में छेद करना पड़ता है, ग्रो बैग में तो ऑलरेडी छेद होते हैं, पर कट्टों में हम छेद करेंगे जब हम इनमें पौधे लगाएंगे। अब हस्बैंड जी जब शिमला मिर्च की पौध लाएंगे तो इन सब में हम लगा देंगे। बहुत दिन से पीछे लगे हुए थे कट्टे तैयार कर, तो मैंने अब तैयार कर दिए हैं। उसके बाद पौध आएगी और शिमला मिर्च की पौध लगेगी इनमें। अब मैं दिखाती हूँ कि हमने किस किस में कैसे कैसे ग्रो बैग में लगा रखा है।
तो देखिए ये है हमारे टमाटर जो अभी इसी बार के हैं, अब फूल आने शुरू हो रहे हैं इनमें। ये ग्रो बैग में है सारे। ये मिर्च का पौधा है जो पिछले बरसात का है, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी, इसमें दोबारा से पत्ते हरे हो गए, फिर से मिर्च लग जाएगी, मैंने इसको उखाड़ा नहीं था। ये भी ग्रो बैग में है, एक साल होने वाला है। और ये बैंगन के पौधे हैं ग्रो बैग में लगे हुए, ये 3 साल से लगे हैं, ये बड़े वाले ग्रो बैग हैं। तो देखिए दोस्तों ये कट्टा आप देख रहे होंगे, वैसे भी आप लोग इन्हें फेंक देते होंगे लेकिन ये कितने यूज के हो सकते हैं आपके। और इसमें मैंने लगाया है टमाटर के 3 पौधे एक साथ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। और देखिए फूल भी आने लग गए हैं। और कुछ टमाटर ये मेरे पहले के हैं, अब इनका टाइम पूरा हो गया तो ये ख़त्म होने वाले, हम फिर से इनको यूज करेंगे, इन ग्रो बैगों को, फिर इनमें हम कुछ ना कुछ और लगाएंगे। तो ऐसे ही हम यूज करते हैं, कोई भी चीज़ फेंकते नहीं है। ये टमाटर लग ही रहे हैं, एक टमाटर पका है, इनका टाइम हो गया, इनसे भी बहुत टमाटर खा लिए हमने।